हेडिंग डाली है रिफ्रैक्शन। अच्छा देख लीजिए, एक यूज बता देता हूं कि जो रियर व्यू मिरर होता है, अभी सुन लीजिए ठीक है, ये नई चीज है, बेटा रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। अगर हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो इसका मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट हमें पढ़नी है। अब होगा क्या, अगर लाइट रे सीधी जा रही है तो सीधी जाएगी, मुड़ेगी काहे को, सीधी सी बात है। और जब लाइट मुड़ी नहीं रही है तो वो सीधी जा रही है। लेकिन जब हमें पढ़ना है बेंडिंग तो इसका मतलब है लाइट के साथ कुछ तो कार्यक्रम हुआ है, वो मुड़ी क्यों, तो ये हमें समझना है कि लाइट रे कब मुड़ती है। तो कहते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो वो मुड़ जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कहते हैं हिंदी में जब मैं पढ़ाता था तो मैं इसको ऐसे लिखाता था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथककारी तल से प्रकाश की किरण का अपने मूल मार्ग से विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में लिखिए, When light ray passes from one medium to another, it bends. It bends from its original path. This phenomena is called as refraction. अब ये क्या चीज है, समझिए बहुत ध्यान से। सपोज करो ये एयर है और ये वॉटर है, या छोड़ो ये है मीडियम वन और ये कोई मीडियम टू है, ये रहा एक मीडियम और ये रहा दूसरा। मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट करा और मैंने ये खींच दिया इस पर नॉर्मल। अब बेटा क्या होता है, लाइट रे को जाना चाहिए था इस रास्ते पे, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, बट लाइट रे मुड़ जाती है। अब मुड़ने के बाद लाइट रे के पास दो तरीके हैं, या तो वो मुड़ करके इधर आ जाए या मुड़ करके इधर चली जाए, दो पाथ है। तो क्या होता है, न्यूटन ने इस चीज की स्टडी करी और ये बोला कि अगर लाइट रे अपने मेन पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि मीडियम टू जो है वो डेंसर है। और सुनिए, अगर टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, एक्चुअली न्यूटन ने बोला था कि बढ़ जाती है, तो उसको बाद में गलत साबित करा था हम लोगों ने, मैंने करा था एक्चुअली, उस वक्त मैं था उस वक्त, फिर मैं मर गया फिर वापस आ गया, तो स्पीड कम हो जाती है। ओके ये हो गया। कहता है कि जब लाइट रे अपने मेन पाथ से हटती है और उधर चली जाए, नॉर्मल से दूर चली जाए, कि ऐसा किस कंडीशन में होता है, ऐसा तब होगा जब मीडियम टू रेरर है। रेरर का मतलब होता है हल्का, जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, कम डेंस जिसको हम बोलते हैं, और डेंसर मीडियम जो ज्यादा डेंस है, और जब ये ऐसा करता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, जब ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, लेकिन इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा आता है। ये बातें न्यूटन ने बोली थी और ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सेपरेटिंग प्लेन है, क्लियर। तो दोनों ही केस में लाइट रे अपने पाथ को हटा रही है, अपने मेन पाथ से या तो दूर जा रही है या पास आ रही है, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लिख लीजिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दो रास्ते हैं, या तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अगर ये नॉर्मल से दूर हटती है तो इसका एंगल बढ़ गया, एक तो ये देखिए
दूसरा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये दो बातें मैंने बोली, और ये बोला कि ऐसा करती कब है, ये तब करेगी जब दूसरा वाला मीडियम थोड़ा सा हल्का है, रेयर है। लेकिन अगर ये मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर हुआ, जिसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो ये अपने मेन पाथ से हट करके नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, और जब ये नॉर्मल की तरफ आएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अफकोर्स एंगल तो कम होना ही है, ये वाला एंगल, और ये मीडियम टू डेंसर होगा तब ये काम होगा। तो इस दोनों ही केस में हम दोनों को ही रिफ्रेक्शन कह सकते हैं, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो सकती है और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो सकती है। अब बात करते हैं और, तो मुझसे ये बोला है कि ये अपना पाथ क्यों चेंज करती है, इसकी वजह दी गई है कि रिफ्रेक्शन की क्या वजह है। तो कहते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है कि अच्छा, अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं, लाइट का पार्टिकल नेचर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन आप सिर्फ ये सोच करके समझ सकते हैं कि लाइट की जगह एक बुलेट है। जैसे अब एक बुलेट है, मैंने आपके सामने बुलेट फायर करी, ये एयर है और यहां पर पानी है, अब बुलेट मैंने फायर करी, ये बुलेट जा रही है, यहां पे इसकी स्पीड है V1, जैसे ये पानी में जाएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होने की वजह से ये अपना मेन रास्ता भी छोड़ देगी, इधर या इधर कहीं पे चली जाएगी। ये है, लाइट भी ऐसे ही कर रही है भाई, यही तो पार्टिकल नेचर है ना। तो कहते हैं कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अच्छा दूसरा सोचो, अब मैं पानी के अंदर हूं और मैंने यहां से बुलेट मारी V1 स्पीड में, और जैसे बुलेट पानी से बाहर निकलेगी इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। तो वही कहता है कि जब लाइट रे पहले वाले केस में रेयर से डेंसर जा रही थी तो उसकी स्पीड कम हो रही थी, और जब वो डेंसर से रेयर गई तो उसकी स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से लाइट रे अपना पाथ छोड़ देती है, हल्का सा अपना मेन पाथ छूट जाता है उसका, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन। तो रिफ्रेक्शन की वजह क्या दी जाती है कि व्हेन, लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे एंटर्स व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर its speed changes due to which refraction takes place। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कि भाई रिफ्रेक्शन हुआ। अब और बात समझिए, मुझे एक चीज बताइए, फ्रीक्वेंसी होती है c बाय लैम्डा, है ना। आप कह रहे हो लाइट की स्पीड चेंज होती है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड v1 से v2 हो जाती है, मैंने ये माना। अगर उसकी स्पीड चेंज होती है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या वेवलेंथ चेंज होती है? कुछ तो चेंज होगा तभी तो स्पीड चेंज होगी। ये देखिए, ये रहा लाइट की स्पीड का फॉर्मूला, न्यू इंटू लैम्डा। तो क्या कहा जाता है कि अगर ये स्पीड चेंज होती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, क्लियर। तो ये समझ जाना, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंजेस, ना रिफ्लेक्शन में ना रिफ्रेक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इस बात को लिख लीजिए, ड्यूरिंग रिफ्रेक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कॉन्स्टेंट, वट एवर। ड्यूरिंग रिफ्रेक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस।
बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस. चलिए ओके, तो ये मैंने आपको दो तीन बातें बता दी कि लाइट रे अगर डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जैसे एयर से पानी में, और अगर पानी से एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. क्लियर? और इस सारे तरीके में आपके पास लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है. क्लियर? ओके, आगे लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें पहला लिखिए, ये वही है जो आपने पढ़ा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पर झूठ बोलते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन. आइए अब दूसरा लॉ लिखिए इसका, दूसरा लॉ मैं लिखवाता हूं आपके समझ में कम आएगा. कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन. ये रहा इसका सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ. ये भी रिफ्रैक्शन का लॉ है, स्नेल्स लॉ. क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन. यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? इस पूरे चैप्टर में, फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें बच्चों को यह भी आ जाता है, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कर देते हैं. मैंने तो बहुत सारे करा दिए, स्कूल में भी कर लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है. इमेजेस भी बन जाती हैं, रिफ्रैक्शन भी समझ में आ जाता है. इस पूरे चैप्टर का जो सबसे समझने के लिए जो दिमाग में मतलब दिक्कत करता है वो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मैं इसको बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको. ठीक है? ठीक है युग, दिमाग से हरी डालिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसको वैसे ही पढ़ लेना. इसको हम एन या म्यू, मतलब यू लिख करके इसको थोड़ा सा म्यू कर दो तो ये कहलाता है म्यू, आधा म पूरा यू. इस सिंबल से बताते हैं. तो बेसिकली बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें ये बताता है कि कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम कम डेंसर है. अगर मैं कहता हूं एक मीडियम मेरे पास ए बी और सी, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो इसका मतलब है ये आपके पास इसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम डेंसर ये है, ये आपका रेरर है और ये आपका डेंसर है. अगर मैं ए और बी की बात करूं तो बी ए से ज्यादा डेंसर है, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो सी बी से ज्यादा डेंसर है. यह बात हमें पता लगती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आप यह लिख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बताता है. और ये आप एग्जांपल कहीं पे साइड में कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए ताकि आपको बेसिकली पता रहे कि हमें अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है तो हमें क्या समझना है. और जैसे मैं बात करूं आपसे, कॉपी के टॉप पर लिखना, देखो एयर, वाटर और ग्लास. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं या 1.00 कुछ करके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मांगते हैं. यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 1.33 और ये हो गया 1.5. अब आप मुझे बताइए वाटर और ग्लास में से कौन ज्यादा डेंसर है? वाटर. क्या हो गया? वाटर. अबे आंखों आंखों
का 1.3 बढ़ाया। ग्लास भी आंसर है। ओहो नजर थी कमजोर मुरियो के या मोर। ग्लास ज्यादा डेंसर है बेटा वाटर से। अच्छा वाटर और एयर में से कौन ज्यादा डेंसर है? वाटर। ठीक है हाँ तो ये बात समझो हम आप बिल्कुल वाटर। अच्छा और बातों का जवाब दीजिए। अगर एक लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर क्या वाटर से ग्लास में जाती है अगर लाइट रे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि डेंसर है। और अगर एयर से वाटर जा रही है तो बोलो क्या हो गया सन्नाटा क्यों है भाई इतना? एयर से वाटर जाएगी तो हाँ ऑफकोर्स हाँ ऑफकोर्स कम हो जाएगी है ना लेकिन बहुत कम कम होगी। हाँ वो बात की बात है कम कम होगी तो कोई बात नहीं बट कम तो हो रही है हमारे पास तो इतना पता है। ठीक है चलो तो ये बात हमें ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई कि हमें क्या क्या पता लग सकता है। क्लियर अब बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखो बेटा ऑप्टिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके सिलेबस में कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर आपको याद होगा नाइन्थ क्लास में जब आपने मोशन स्टार्ट करा था तब आपको यह बात बताई होगी कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्टेशनरी कंडीशन में हूं या मोशन में हूं तो आप नहीं बता सकते। मैं आपके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो सकता हूं लेकिन मून पे कोई आदमी है उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो सकता हूं तो कोई ना कोई रेफरेंस होता है। वही चीज यहां है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव में होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं बहुत ध्यान से सुनना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू ये लाइन है। इस लाइन को मैं एक सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज एन वन टू या फिर म्यू वन टू या फिर वन एन टू या फिर वन म्यू टू अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है बट शायद एनसीईआरटी में ऐसा बता दो। हाँ कुछ नहीं बेटा मैंने सिर्फ ये बताया कोई बात नहीं है मैंने सिर्फ ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने पहली चीज ये लिखा है कि जैसे मेरे पास एक लाइन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू इस लाइन को मैं किस सिंबल से बताऊंगा तो ये रहा सिंबल। इस सिंबल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू टू इसको पढ़ना सिखाया मैंने। और इसका फॉर्मूला होता है एन वन अपॉन एन टू। लिख लीजिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू इसके लिए हम सिंबल देते हैं एन वन टू और इसको एन वन अपॉन एन टू लिखते हैं। मैं इसमें अब एक लाइन लिखा देता हूं बच्चों को जनरली हिंदी में कि जिसके रेस्पेक्ट में पता करना है उसे बाद में लिखते हैं और
उसी से डिवाइड करते हैं। इसको लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं मैंने क्या बताया आपको। ये अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं उसे बाद में लिखते हैं, तो मैंने टू को बाद में लिख रखा है और टू से ही डिवाइड कर रखा है, जो बाद में लिखा जाता है उसी से डिवाइड करते हैं। ये बात ऐसे दिमाग में रख लीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, लिख लिया ना ये आपने, अब मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो सिंबल की फॉर्म में मैं लिखूंगा एन टू वन, जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं उसे हम बाद में लिखते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। बस इसी बात है। हाँ एग्जैक्टली, सिंपल सिंपल बात है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, क्वेश्चन लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, देन कैलकुलेट then calculate refractive index of water with respect to glass। बताइए मुझे, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं उसको हम बाद में लिख देंगे, अगर सिंबोलिकली लिखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला बनाइए एनडब्ल्यू अपॉन एनजी, और एनडब्ल्यू आपको क्या दे रखा है 4/3 और जी कितना दे रखा है 3/2, ये तो बेटा 8/9 आ गया ना। हाँ कोई दिक्कत इसमें? ओ चलो, ये एक काम हमने कर लिया। अब इसी में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेकंड पार्ट लिखते हैं। वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अब हम स्पीड की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पढ़ते हैं वो लिखते हैं। चलिए, अगर कोई लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू में जाती है, मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, इसका एन टू, यहां इसकी स्पीड v1 और यहां जाके इसकी स्पीड v2 हो जाती है, और अगर मुझे n12 लिखना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n1/n2, क्लियर? बट वेलोसिटी की टर्म में ये उल्टा हो जाता है v2/v1। ये देखिए, सिमिलरली अगर मैं n21 लिखूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में n2/n1 लिखूंगा, लेकिन वेलोसिटी की टर्म में मैं उल्टा कर दूंगा v1/v2। देखिए, इफ लाइट रे
इफ लाइट रे हुज स्पीड इन वैक्यूम या एयर हुज स्पीड इन एयर इज 3×10⁻¹ m/s. Enters water. Enters water. Refractive index of water is refractive index of water is 4/3. Calculate speed of light in water. चलिए देखिए, ये मेरे से बोल रहा है लाइट रे एयर से वॉटर जा रही है. एयर में इसकी स्पीड है जिसको आप सी से बता रहे हैं वो है 3×10⁸. बोलता है वॉटर में स्पीड बताइए. अगर एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1 होता है और वॉटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3. अब आप कोई भी एक चीज निकाल दीजिए, आप चाहे तो एन ए डब्ल्यू निकाल दीजिए या आप एन डब्ल्यू ए निकाल दीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है. अगर मैं एन ए डब्ल्यू निकालूंगा तो मैं लिखूंगा एन ए अपॉन एन डब्ल्यू और वेलोसिटी की टर्म में वी डब्ल्यू अपॉन वी ए. ठीक है, एन ए कितना है 1, एन डब्ल्यू कितना है 4/3, वी डब्ल्यू क्या है कि निकालना है, वी एयर कितना है कि सी, सी का मतलब 3×10⁸. तो वी डब्ल्यू कितना आ गया 3×10⁸ / 4/3 यानी कि 9/4×10⁸ खत्म मीटर पर सेकेंड. हाँ, अगर कोई एन डब्ल्यू ए निकालना चाहता है तो वैसे भी आ जाता है, तो इसको एन डब्ल्यू अपॉन एन ए कर दोगे, वेलोसिटी की टर्म में उल्टा कर दोगे और वेलोसिटी की टर्म में वी डब्ल्यू निकालना है आपको, है ना, वी डब्ल्यू निकालना है. तो अच्छा मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूं, एन डब्ल्यू कितना है 4/3, एन ए कितना है 1, वी ए 3×10⁸ और वी डब्ल्यू. अब मैं वी डब्ल्यू को इधर ले जाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, फिर से आपके पास आ जाएगा. ये तो मैंने आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, उसमें ये पढ़ाया था कि रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, हमें एक मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ता है और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको सिंबल में हम पीछे लिखते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं. हाँ, वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया था. आगे लिखिए एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट करना इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. देखिए अभी तक हम ये पढ़ते आए कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका एन टू है, इसमें लाइट की स्पीड वी वन, इसमें लाइट की स्पीड वी टू, ऐसा करके पढ़ते आए, उसको हमने रिलेटिव में डाला. लेकिन अगर किसी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाल दिया जाता है तो अभी क्या है, मीडियम 1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बेस पर निकाल रहे थे. आप कहते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर आप वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. लिखिए इस बात को, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. सर इसका क्या मतलब है, मतलब सुनना, कॉन्सेप्ट सेम है सिर्फ टॉपिक अलग कर रहा है. तो मैं कह रहा था कि ये है मीडियम टू, अगर मैं बात करता हूं ये वैक्यूम है तो वैक्यूम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1 और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हम सी से बताते हैं. किसी मीडियम में लाइट की स्पीड वी है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने माना एन. लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाती है, कोई दिक्कत इसमें तो बोल दीजिए. एक मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है, लाइट की स्पीड बी है,
और मीडियम टू जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है और लाइट की स्पीड है सी, तो मीडियम टू हो गया वैक्यूम या एयर। कोई दिक्कत इसमें? तो हम कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको एन वन टू लिखूंगा और इसको लिखूंगा मैं एन वन अपॉन एन टू, और लाइट की फॉर्म में लिखूंगा तो वी टू बाई वी वन लिख दूंगा। क्लियर? एन वन को मैं लिख रहा हूं एन, एन टू की वैल्यू है वन, वी टू है स्पीड ऑफ लाइट और इसको मैं लिख रहा हूं v, और यहां से हम देंगे डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन आपसे 10th क्लास में मांगता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखो। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आप इतना लिखिए फिर इसको लिखाते हैं। डेफिनेशन लिखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम index of a medium is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to that of in a medium, yeah, to the speed of light in a medium, in that medium. To the speed of light in medium. बस इसको हम बोलते हैं absolute refractive index. कोई दिक्कत इसमें? लिखिए हरी नालिए स्नेल्स लॉ, जो हमारा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है, स्नेल्स लॉ। देखो बेटा मैं आपको यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सिखाऊंगा, वैसे वो चीज हम ट्वेल्थ में सिखाते हैं बट इजी सी चीज है, आप भी सीख जाएंगे एक ही बार में, तो मैं उसको यहां भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है? ओके, क्या कहता है स्नेल्स लॉ पहले हम पढ़ते हैं। सपोज कीजिए लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, इसका एन टू, और ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। ठीक है? तो देखो बेटा स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं पहले वो समझ लीजिए। ठीक है? जिस मीडियम, पहले तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन और उसी मीडियम का साइन, साइन आई मतलब इन दोनों का एन वन, और इसको साइन से लिखना, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, खत्म हो गया। इस तरह से अप्लाई करते हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी में एंगल का साइन, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी में एंगल का साइन, बस यही है स्नेल्स लॉ। अब देखो आज इसको मैं लिखता हूं साइन आई अपॉन साइन आर एन टू अपॉन एन वन, और एन टू अपॉन एन वन को मैं लिख सकता हूं एन टू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन।
अब इसको लिखने को आ जाए कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो कैसे लिखेंगे, द रेशियो, इधर देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन. लिखिए इस बात को, स्नेल्स लॉ को लिखिए. हाँ, मैं लिखा रहा हूं. लिखिए इस बात को, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन, साइन की स्पेलिंग ऐसे लिखना, एस आई एन ई, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन of angle of incidence to that of sine of angle of refraction remains constant. And this constant is called as refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1. ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करना. मैं आप एक डायग्राम बना रहा हूं, आप उसके लिए मुझे स्नेल्स लॉ लिख करके बता देना. एन ए एन बी लिख करके बताइए. सर एन बी साइन ओ टू, साइन थीटा बोलते हैं बेटा, वो साइन थीटा है, थीटा है, वो थीटा बोलते हैं इसको, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं. वेरी गुड. एन ए साइन थीटा वन. यस यस, बस खत्म हो गया. इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ. आगे सीख गए, इसमें क्या सीखना है. चलो साहब आइए, हेरिंग डालिए, लेंसेज. भाई जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम के साइन का थीटा बस इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम में एंगल का साइन बस. हाँ बस सिंपल सिंपल है, मतलब अगर आपको मैं यूं दे देता हूं, इसको मैं थीटा वन कह देता हूं, इसको थीटा टू कह देता हूं, इसको मैं एन वन, इसको एन टू कहता हूं, तो बस इन दोनों का लिखना है, एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू ये दोनों, बस खत्म.